ये छात्राएं गोहाना के खानपुर गांव के बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी की हैं। गुस्सा सातवें आसमान पर है और मुंह से एक ही आवाज है, न्याय। दरअसल ये हाय तौबा मची है बड़ी हुई छात्रवृत्ति नहीं मिलने से। बीएमएस कर रही करीब 200 छात्राओं ने नाराज होकर यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोमवार रात से धरने पर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। छात्राओं का कहना है कि अथॉरिटी की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। 200 लड़कियां तो यहाँ पे बैठी हुई थी, चार लड़कियों की भूख हड़ताल चल रही है। 12-1 बजे के आसपास रजिस्ट्रार मैम आए थे एक बार के लिए। उन्होंने पूछा हमारी मांगे क्या हैं। हमने उनको कहा कि जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है आप हमें लिख के दे दीजिए कि आप हमारा काम कर दोगे। तो उन्होंने सीधा कहा कि लिख के नहीं दिया जाता है ऐसे कोई भी काम, और इस तरीके से काम नहीं होता है। धरने पर बैठी छात्राओं का आरोप है कि सरकार ने 5 महीने पहले छात्रवृत्ति बढ़ाने का लेटर भी जारी किया था, बावजूद इसके पुरानी स्कॉलरशिप दी जा रही है और प्रशासन जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है। हड़ताल हमारे यहाँ पर कल से चल रही है। यूनिवर्सिटी के स्टाफ से कल हम लोग को रात में वीसी और रजिस्ट्रार मैम मिलने आए, पर उनका जो भी हमारे लिए सॉल्यूशन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसलिए हमने स्ट्राइक कंटिन्यू रखी और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें हमारे स्टाइफंड का जो रोस्टर है उस पर 10,000 FO के साइन नहीं मिल जाते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। और भूख हड़ताल पे जो चार बच्चे बैठे हैं वो भी भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। इन छात्राओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छात्राओं ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें बड़ी हुई स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा, और अब देखना होगा कि इस चेतावनी का असर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कितना पड़ता है। R9 TV के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।